MA 304 CNC Machines and Automation Unit First और Sub Unit 1.7 Applications of CNC Machines। इसमें तीन पॉइंट अपन ने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, अब मैं उससे आगे आज हम बात करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ सीएनसी मशीन का मतलब, सीएनसी मशीन टूल्स पर जिन कंपोनेंट्स की मशीनिंग की जानी है उनके सिलेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, या कौन से पार्ट्स सीएनसी मशीन्स पर बनाने के लिए सूटेबल हैं। कल अपन ने देख लिया था कि द नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर कंपोनेंट आर लार्ज। सेकंड देखा था कि जब ऑपरेशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, और फिर देखा था साइज ऑफ पैचेस इज मीडियम। तब जब ये चीज़ें हैं तब अपने को सीएनसी मशीन्स का उपयोग प्रेफरेबल है या उपयोग किया जाना चाहिए। अब इसके आगे अपन लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, बैचेस आर ऑफन रिपीटेड। मतलब क्या है इसका, कि जब आपका बैच रिपीट होता है, रिपीट होने से मतलब आपके पास एक बैच साइज एक कंपोनेंट से 25 30 50 बनाने के लिए आए, आपने बना के डिस्पैच कर दिया, जॉब पूरा बना दिया, पूरा बैच को बना के आपने उसको डिस्पैच कर दिया। अब 15 दिन बाद, महीने भर बाद फिर वही जॉब फिर आपके पास आता है, फिर आप बनाते हैं सेम जॉब को, या थोड़ा बहुत माइनर चेंज, मेजर चेंज नहीं, माइनर चेंज कुछ हुआ। तो ये जो ये कंडीशन कहलाती है कि बैचेस आर ऑफन रिपीटेड, मतलब बैचेस रिपीट होते रहते हैं, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने, 2 महीने में, ये डिपेंड करता है कि मार्केट की डिमांड क्या थी। तो जब बार बार बैचेस रिपीट होते हैं तब सीएनसी मशीन का प्रयोग किया जाता है या किया जाना चाहिए, क्योंकि सीएनसी मशीन्स के साथ क्या होता है कि इसमें पार्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहती है, और जब भी भविष्य में फिर ज़रूरत पड़े तब उसको फिर से रिकॉल कर लिया जाता है। अपन को क्या करना है, केवल कंप्यूटर की मेमोरी से उस पार्ट प्रोग्रामिंग को फिर रिकॉल करना है। वो पार्ट प्रोग्रामिंग आपकी तैयार है, स्टोर पड़ी हुई है मेमोरी में, और आपको रिकॉल करके वापस आप उसको यूज़ करना है। यदि थोड़ा सा हल्का सा भी कोई माइनर चेंज है तो उसी पार्ट प्रोग्रामिंग को आप उसी हिसाब से हल्का सा माइनर सा एडिट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, और फिर उसको काम में ले लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि बार बार पार्ट प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ बैच ऐसा है, सेम बैच रिपीट हुआ 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो आपके पास जब वो बैच का ऑर्डर आया आपको दोबारा से, हमें दोबारा से वो पार्ट प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हमें केवल इतना सा करना है कि कंप्यूटर मेमोरी से जो उस पार्ट प्रोग्रामिंग को हमने जिस नंबर से जिस हेड में सेव कर रखा है उस हेड से आप उसको रिकॉल कर लीजिए और अपना काम कर लीजिए। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमें सीएनसी मशीन्स का प्रयोग ईजी रहता है और हमें प्रयोग करना चाहिए। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, लेबर कॉस्ट फॉर द कंपोनेंट इज हाई। यानी कि यदि किसी कंपोनेंट को हम बना रहे हैं, किसी जॉब को हम बना रहे हैं, और उस पर जो लेबर कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं उसको एनसी मशीन से या कन्वेंशनल मशीन से, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तब हमें वो जो जॉब है वो सीएनसी मशीन पर करना चाहिए। तो सीएनसी मशीन पर कार्य करने से लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। क्यों होती है, देखिए, एक तो सीएनसी मशीन्स में जॉब को लोड करना है या अनलोड करना है उसमें लेबर की आवश्यकता नहीं होती,
जनरली सीएनसी मशीन्स के साथ क्रेन्स एसोसिएटेड रहती हैं, ऊपर या तो गैंट्री क्रेन रहेंगी या साइड क्रेन्स रहेंगी, तो उसकी सहायता से अपन उस जॉब को लोड या अनलोड मशीन पे से कर पाते हैं। तो जिससे लेबर की जो कॉस्ट लगनी थी कि उस जॉब अगर बड़ा है अपना तो एक से अधिक लेबर लग रही है उसको लोड करने में अनलोड करने में, वो काम हम क्रेन से कर रहे हैं तो लेबर की आवश्यकता नहीं हुई, तो इससे हमारी लेबर कॉस्ट कम हुई। इसी प्रकार सीएनसी मशीन का जो ऑपरेटर है वो एक समय में एक से ज़्यादा मशीन पर काम करता है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑपरेटर काम कर रहा है सीएनसी मशीन पे, वो एक मशीन को शुरू उसने स्टार्ट कर दिया, पार्ट प्रोग्रामिंग से जॉब बन रहा है। अब इस बीच में वो अपनी जो नेक्स्ट मशीन है उस पर वो जाके अपना काम संभाल सकता है, उसको शुरू करके वो अपनी तीसरी मशीन पर भी अपना काम संभाल सकता है, प्लस उसको टूल सेट करने हैं, टूल प्रीसेट करना है, उसके लिए अलग से ज़रूरत नहीं है। इसी समय में मशीनें अपना अपना काम कर रही हैं पार्ट प्रोग्रामिंग के अनुसार, तो वो अपने टूल की प्री सेटिंग कर सकता है। सीएनसी मशीन मल्टी पैलेट मशीन होती हैं, तो जब एक जॉब चल रहा है तो अपने वो दूसरे पैलेट पे अपना जॉब अगला वो तैयार कर लेगा, उस पे पैलेट पे जो लोडिंग अनलोडिंग है, वर्क टेबल पे जो अनलोडिंग है लोडिंग है जॉब की, वो क्रेन्स कर रही हैं। तो इस कारण कि सीएनसी मशीन का ऑपरेटर एक समय में एक से ज़्यादा मशीन पर काम करता है, जिससे कि लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। इसी तरह सीएनसी मशीन में सेटिंग टाइम, लीड टाइम एट्सेट्रा एट्सेट्रा भी कम हो जाते हैं, इससे भी लेबर कॉस्ट कम होती है। क्यों कम होती है? कि जब आपका सेटिंग टाइम, लीड टाइम कम हो रहा है तो उस वक्त एक्चुअल मशीन क्या है, एक्चुअल में मशीनिंग ही कर रही है, वो कार्य ही कर रही है। तो आप उस टाइम, जो टाइम आपका सेटिंग टाइम में या लीड टाइम में जो टाइम वेस्ट होता है वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, और आप कम समय में ज़्यादा जॉब बना रहे हैं, तो इससे भी पर कंपोनेंट की जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो गई। तो जहाँ पे कंपोनेंट्स की लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती है कन्वेंशनल मशीन्स पे, सीएनसी मशीन्स पे, वहाँ पे अपन उन पार्ट्स को सीएनसी पे अगर बनाते हैं या सीएनसी का प्रयोग करते हैं तो हम उस लेबर कॉस्ट को कम कर पाते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, द कंपोनेंट रिक्वायर्स सब्सटेंशियल टूलिंग। सब्सटेंशियल मतलब प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। टूलिंग मतलब टूल का यूज करना, कि जिन कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, उस पर जितने ऑपरेशन होने हैं, कई सारे अगर ऑपरेशन होने हैं तो अपन को कई सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे सब्सटेंशियल टूलिंग काम में आ जाती है। मतलब काफ़ी संख्या में टूल्स, उसमें जितने प्रोसेस हैं उनको काम करने के लिए वो टूल्स लगेंगे। तो जब किसी कंपोनेंट जॉब पर डिफरेंट कई सारे ऑपरेशन करने हों और इसके लिए काफ़ी सारे अधिक संख्या में टूल्स की रिक्वायरमेंट हो, तब सीएनसी मशीन्स का प्रयोग किया जाना उचित होता है, क्योंकि सीएनसी मशीन की टूल मैगजीन में काफ़ी संख्या में टूल उपलब्ध होते हैं और टूल सिलेक्शन और टूल चेंजिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। मतलब अभी आप एक टूल, अभी आपका वर्क पीस पर काम कर रहा है, जॉब पर काम कर रहा है, नेक्स्ट ऑपरेशन मान लीजिए अभी ड्रिलिंग का चल रहा था, अब आपको उसकी ग्राइंडिंग करनी है, तो अब क्या होगा सीएनसी मशीन पे कि जो प्रोग्रामिंग में जो आपने टूल चेंज का दे दिया, उसके अंदर उसको कमांड दे दिया टूल चेंज का, तो जैसे ही ये प्रोसेस ख़त्म हुआ, ड्रिलिंग का आपका प्रोसेस ख़त्म हुआ, उसके बाद ग्राइंडिंग होनी है, तो ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग आर्म आएगी, वो टूल मैगजीन से नेक्स्ट ऑपरेशन ग्राइंडिंग का है, ग्राइंडिंग टूल जो स्पेसिफाइड ग्राइंडिंग टूल है, ग्राइंडिंग व्हील है, उसको वो लेके आएगी, जो इस वक्त जो टूल लगा हुआ है, ड्रिल बिट लगी हुई है, उसको वो रिमूव करेगी, इसकी जगह ग्राइंडिंग व्हील को लगाएगी, और जो उसने टूल हटाया, ड्रिलिंग का टूल हटाया, उसको वो उस जिस जगह वो रखना लगा हुआ है उसी जगह टूल मैगजीन में उसको ले जाके लगा देगी। ये सारा काम ऑटोमेटिक होगा,
इसमें ऑपरेटर को कुछ नहीं करना, केवल आपको पार्ट प्रोग्रामिंग इस तरह से करनी है कि आपको जहाँ पे टूल चेंज करना है आपको टूल चेंज के कमांड्स देने उस पार्ट प्रोग्रामिंग में, और ये सारा काम स्वतः हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, सेटिंग टाइम डाउन टाइम बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। अब बहुत सारे, अगर मेरे को एक ही जॉब पे कई सारे टूल्स से काम करना है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितना टाइम और कितना श्रम अपना बचा लिया। तो इसीलिए क्या होता है कि जब सीएनसी मशीन की टूल मैगजीन में काफ़ी संख्या में टूल उपलब्ध होते हैं और टूल सेलेक्शन और चेंजिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, जिससे कि समय और श्रम की बचत होती है और जॉब अप टू द स्टैंडर्ड, जो आपको टॉलरेंसेस चाहिए, जो एक्यूरेसी चाहिए, उस हिसाब से टूल, उस हिसाब से आपका जॉब जो है वो बन जाता है।